आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी वन में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4389 हो गई। कैटेगरी टू में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर उस वक्त हमारे पास था ही नहीं, ये पैसा का उपयोग करके 8338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी थ्री में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10,011 हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 4,17,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीस का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज टू लाया गया है। पैकेज टू में कुल मिला के 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए, देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसे कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है।